Assalamu alaikum everyone. Satya Gondal here from Javed Publishers. Today we will be doing Kids English Grade 5, Chapter Number 9. That is Being Grateful. So let's start. Dear everyone, क्या आप सबने कभी सोचा है कि ये आँखें कितनी बड़ी नेमत हैं? अगर ये आँखें ना हों तो आप दुनिया की सारी खूबसूरती कैसे देखेंगे? आपके ये हाथ पांव कितनी बड़ी नेमत हैं? अगर आपके पास ये ना हो तो क्या आप भाग कर क्रिकेट खेल सकते हैं या आप कोई और मज़े की चीज़ें कर सकते हैं? नहीं, आप अपने आप को मजबूर समझेंगे और हो सकता है कि आप इस चीज़ की वजह से बहुत तकलीफ़ में भी रहें। तो जब हम इन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो सबसे पहले हमें उन लोगों का ख्याल आता है जिनके पास ये नेमतें नहीं हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमारे आसपास कोई ऐसा इंसान मौजूद है जिसके पास आँखें नहीं हैं, टांगें नहीं हैं, हाथ नहीं हैं, पाँव नहीं हैं, तो हम उनकी मदद करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो चलिए देखते हैं आज इस चैप्टर में हम एक ऐसे ही इंसान के लिए आसानियाँ कैसे पैदा कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट ऑन पेज नंबर 59। लेट्स डू द रीडिंग फर्स्ट। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग। एक बहुत ही खूबसूरत सुबह थी। द कूल विंड वॉज ब्लोइंग। ठंडी हवा चल रही थी। राइट इन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट एन ओल्ड ब्लाइंड मैन वॉज सिटिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ बिल्डिंग विद अ हैट बाय हिज फीट। सड़क के एक कोने में एक बूढ़ा अंधा आदमी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। उसके पास एक टोपी थी जो उसने अपने पैरों में रखी हुई थी। ही वॉज होल्डिंग अ बोर्ड ऑन विच इट वॉज रिटन आई एम ब्लाइंड प्लीज़ हेल्प मी। उसके हाथ में एक बोर्ड था जिसके ऊपर लिखा हुआ था मैं अंधा हूँ, बराए मेहरबानी मेरी मदद कीजिए। There were only a few coins in the hat. उस टोपी में बहुत थोड़े से सिक्के थे। The old blind man was always grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. ये बूढ़ा आदमी हमेशा अल्लाह सुबहाना तआला का शुक्रगुजार रहता था। One day a man was walking by. एक दिन एक आदमी वहाँ से गुजरा। He saw the blind man and dropped some coins into his hat. उसने इस बूढ़े आदमी को देखा और कुछ सिक्के उसकी टोपी में गिरा दिए। He took a minute and stared at his sign board. उसने कुछ देर रुककर साइन बोर्ड को पढ़ा। Then he took the sign board, wrote some words and put it back in the old man's hand. उसने साइन बोर्ड लिया, उस पर कुछ लफ्ज लिखे और उस बूढ़े आदमी को वो वापस कर दिया। After that, everyone who passed by him noticed the board. इसके बाद जो भी वहाँ से गुजरता गया वो उस बोर्ड को देखता गया। Soon his hat began to fill up. और बहुत जल्दी ही उसकी टोपी पैसों से भर गई। The old blind man felt with surprise the polite reaction of the people. उस बुज़ुर्ग इंसान को बहुत हैरानगी हुई जब उसने ये देखा कि लोग बहुत इखलाक के साथ उसकी मदद कर रहे थे। After a week, the man who had changed the signboard returned to see how the things were. एक हफ्ते के बाद वही आदमी वहाँ से वापस गुजरा और उसने ये देखा कि कैसे चीज़ें बदल गई थीं। The old man recognized his footfall and asked him. उस बूढ़े आदमी ने इस इंसान को पहचान लिया और उसे कहा, Are you the same person who made changes on my signboard? क्या तुमने ही मेरे बोर्ड पे कुछ तब्दीली की थी? What did you write on it? तुमने क्या लिखा था? The man smiled and replied. वो आदमी मुस्कुराया और जवाब दिया, I wrote the truth. मैंने सिर्फ सच लिखा। I only said what you said, but in a different way. मैंने वही लिखा जो तुम कहना चाह रहे थे, लेकिन एक मुख्तलिफ अंदाज में। He further said, उसने मजीद कहा, I wrote, मैंने लिखा, Today is a beautiful day, but I cannot see it. आज एक बहुत खूबसूरत दिन है लेकिन मैं नहीं देख सकता। Both signboards told the truth. ये दोनों signboards सच्चाई बता रहे थे। The first one only said that the old man was blind, while the second sign conveyed a message to every passerby how grateful they should be for being able to see the world around. पहला वाला साइन बोर्ड सिर्फ ये बता रहा था कि ये आदमी देख नहीं सकता,
लेकिन दूसरा साइन बोर्ड हमें ये बता रहा था कि हम सबको ये दुनिया देखने के लिए आँखों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए. वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू अल्लाह सुबहाना व तआला फॉर हिज काउंटलेस ब्लेसिंग्स. हमें हमेशा अल्लाह सुबहाना व तआला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी नेमतों से नवाजा. सो डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये मिलता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, जितना भी है, हमें उसके लिए अल्लाह सुबहान तआला का शुक्र अदा करना चाहिए. बिकॉज अल्लाह सुबहान तआला सेज़ इन कुरान कि जब आप मेरा शुक्र अदा करेंगे तो मैं आपको ज़्यादा अदा करूँगा. और ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हम इंसानों को दूसरे इंसानों से बेहतर बनाती है और अल्लाह सुबहान तआला की नज़रों में पसंदीदा भी बनाती है. तो आज के बाद हम सब एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम अल्लाह सुबहान तआला की दी हुई हर नेमत का थैंक यू हर वक्त करेंगे. Question answers of this chapter on page number 60. The first question is, where was the old man sitting and what was he doing? The answer is, he was sitting on the steps of building. He was asking for help. Question number 2, what was written on the board the old man was holding in his hands? The answer is, it was written, I am blind, please help. Question number 3, what did the man do with the old man's signboard? The answer is, the man made some changes to the signboard. He wrote, today is a beautiful day, but I cannot see it. Question number 4. What was the response of the people after the signboard was changed? The answer is, more people started giving money to the blind man. Question number 5. What do both signboards tell about? The answer is, both signboards told the truth. The first one said that the old man was blind, but the second one conveyed a message to every passerby how grateful they should be for being able to see the world around. Thank you so much for watching. Apna bahut sara khayal rakhiyega. Keep watching and keep yourself connected to Javed Publishers Bolti Kitabein.